एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से वीरेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ वीरेश पांडे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, उनसे भी बात करेंगे हम। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी आपको बता देते हैं, पिछले 5 साल में कौन कौन से पेपर लीक हुए हैं वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं। 5 साल में कितने पेपर लीक हुए इस पर नजर डालते हैं। जुलाई 2017 दरोगा भर्ती परीक्षा ऑनलाइन पेपर हैक हुआ। फरवरी 2018 यूपीपीसीएल परीक्षा ऑनलाइन पेपर लीक हुआ। जुलाई 2018 अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा पेपर लीक। सितंबर 2018 नलकूप ऑपरेटर परीक्षा का पेपर लीक हुआ। 2018 की अगर बात करें तो 41,520 सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर आउट हुआ। जनवरी 2020 यूपी टेट 3 जिलों में पेपर लीक। अगस्त 2021 पीईटी परीक्षा पेपर लीक। नवंबर 2021 यूपी टीईटी कई जिलों में पेपर लीक हुआ। तो ये स्थिति थी अभी तक पेपर लीक की। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल माफियाओं की तरफ से 3 तरह के मॉडल पर काम होता है, वो 3 मॉडल हम आपको बताते हैं। देखिए परीक्षा में सेंधमारी के 3 मॉडल कैसे नकल माफिया और किस तरह से ये माफिया जो है किस तरह से पेपर लीक होता है या तमाम चीजें होती है वो हम बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं। पहला मॉडल सॉल्वर गैंग से जुड़ा है। इसका रेट 5 लाख तय होता है, ये सूत्र कहते हैं। अभ्यर्थी को परीक्षा में नहीं बैठना होता है, सॉल्वर गैंग का गुर्गा परीक्षा देता है। दूसरे मॉडल की बात करें तो ये है, ये मॉडल है पेपर लीक से जुड़ा। इसकी कीमत 50,000 से 2 लाख तक की होती है। इसमें एग्जाम के पहले पर्चा मिल जाता है, परीक्षार्थी की जगह सॉल्वर बैठता है। ये तमाम जो मॉडल हम आपको बता रहे हैं ये वो मॉडल हैं जो जिनको पुलिस ने कई बार क्रैक किया है, एसटीएफ ने क्रैक किया है ऐसे कई मॉडल्स को। इसमें नकल की गारंटी होती है, इसके 2 लाख की कीमत भी चुकानी पड़ती है। माफियाओं की तरफ से नकल की पूरी गारंटी दी जाती है। सॉल्वर को चुनी हुई जगह में बैठाया जाता है, इस तरह से भी ऑपरेट होता है। वीरेश पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। वीरेश देखिए इस पूरे मामले में इतना तो है कि एसटीएफ ने कार्रवाई की और कई लोग कई बड़े चेहरे सामने आए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो ये घुन की तरह पूरे सिस्टम में घुस चुका है ये माफिया, ये अभी तक भी किस तरह से ऑपरेटिव है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जी वीरेश देखिए एसटीएफ इस बात को लेकर हैरान है, परेशान है कि वो क्यों नहीं मूल जड़ तक पहुंच पा रही है, क्योंकि मैं जब एसटीएफ चीफ के पास बैठा था उसी दरमियान इस बात की खबर थी कि मुख्यमंत्री जब अपने गोरखपुर और कुशीनगर के दौरे पर थे वहां से वो लगातार संपर्क में थे और बेचैन थे इस पूरे मामले को लेकर, और ये बेचैनी जब से वो सरकार में आए हैं तब से देखने को मिलती है। और यही वजह याद करिए कि पिछली सरकारों में जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि पिछली सरकारों में मंत्री अधिकारी और उनके दलालों के बीच की जो तिकड़ी हुआ करती थी वो पैसा ले लिया करती थी कि चलो फला अधिकारी के पास पैसा रखते हैं, फला दलाल लेके जाता था, फला मंत्री के पास जाता था और वो पैसा रहता था और फला का सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन इस सरकार के आने के बाद जो परीक्षाओं के इस तरह के दलाल थे उन पर अंकुश और नियंत्रण रखने की कोशिश की गई, उसके बाद से एक नया मैकेनिज्म इन जो भ्रष्टाचारियों की तरफ से डेवलप कर लिया गया, क्योंकि कानून बनता है उसे तोड़ने वाले पहले से तैयार होते हैं, तो उन्होंने एक नया मैकेनिज्म तय कर लिया और तकनीक जैसे जैसे आगे बढ़ी उन दलालों ने उन मैकेनिज्म के जरिए इस पूरी परीक्षा को हैक करने की कोशिश की और जो मासूम लोग हैं उनके गार्जियन अभिभावक और साथ साथ जो छात्र हैं उनके साथ धोखाधड़ी की एक नई कड़ी शुरू हो गई और उस पर अभी भी अंकुश नहीं लग पाया है। 30 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी एसटीएफ जगह जगह छापेमारी कर रही है और लोगों की गिरफ्तारी करना चाहती है। और विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि जो बड़ी मछली है यानी गैंग का जो लीडर है वो अभी तक गिरफ्त में नहीं है। आपको याद होगा लगातार इस तरह के सॉल्वर गेम की बात आती है, प्रयागराज से और खासकर वाराणसी से और इर्द गिर्द के इलाकों से ये पकड़े जाते हैं। पकड़े जाते तो हैं, लेकिन इसका जो मेन माफिया है गुनहगार है उसका गिरेबान अभी तक पकड़ा नहीं गया है, क्योंकि अगर पकड़ा गया होता तो ये पूरी समस्या ये जो नासूर है वो समाप्त हो चुका होता, क्योंकि मुख्यमंत्री की मंशा इस बात में बहुत स्पष्ट है, साफ है और क्लियर है कि इस पूरे जो नासूर है उसको नष्ट किया जाए। लेकिन अभी भी अधिकारी कुछ ऐसे कर्मचारी जो बैठे हुए हैं
जिलों में बैठे हुए हैं, मुख्यालयों पर बैठे हुए हैं, वो अभी इसे खत्म नहीं करने देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो गाढ़ी कमाई है, जो वो किसी तरह बिल्कुल से करते हैं, वो उस पे उस पर अंकुश नहीं चाहते। और मैं आपको बताऊं कि सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है और एसटीएफ भी इस बात को लेकर हैरान है कि आखिर हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। एसटीएफ के चीफ का कहना है, आज मुझसे मेरी जब उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मामले का सफाया कर देंगे, सफाया करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल एसटीएफ का दावा है कि वो इस पूरे मामले की तह तक जाकर इस पूरे जो रैकेट है इसको ध्वस्त करने का दावा वो कर रहे हैं। वीरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए, इस पूरी इन तमाम जानकारियों के लिए। बात तो चुभेगी, में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो दिखाएंगे कोरोना की तीसरी लहर के आहट